हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं छोहारा के बर्फी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। जितना भी ऊपर का लेयर गंदा लगा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। देखिए कितना गंदा पानी निकला है इसमें से। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जितना भी गंदा होगा बाहर आ जाएगा इसमें। अब मैंने इसको एक और पानी से धो लूँगी, ठंडा ठंडा पानी से। दोस्तों इसको मैं उबाल ली हूँ। उबालने के बाद इसको ठंडा होने तक का वेट करते हूँ कि अच्छी तरह से उबल गया। आप चाहे तो 8 घंटा के लिए फूलने के लिए भी डाल सकते हैं दूध में। हम पाँच सौ ग्राम छुहारा है। दोस्तों इसको मैं पूरा बीज निकाल ली हूँ धीरे धीरे कर कर के। देखिए आप देख सकते हो। अब इसको मैं मिक्सी में दोस्तों मैं इसी तरह से सब पीस लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा से पिसा गया है। दोस्तों देखिए कितना अच्छा से इसको पीस लिए हैं। अब इसका चलिए अब शुरू करते हैं छोहारा का बर्फी। दोस्तों बड़ा चम्मच से 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है इसमें। कम होगा फिर बाद में डाल देंगे।
बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वादिष्ट छुहारे के बर्फी बनती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। बच्चों को इसी तरह लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से पक न जाए। देखिए पूरी तरह से इसको पका दिए हैं, तैयार हो गया है। चाहे इसको लड्डू भी बना सकते हैं, मैं इसको बर्फी बनाने जा रही हूँ। दोस्तों बर्फी रेडी हो गया है। अब इसको मैं बड़े बड़े पीस में काट लेती हूँ। दोस्तों बर्फी तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बर्फी तैयार हो गया, देखिए कितना इजी तरीका से बनता है और कितना टेस्टी लगता है।